अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब ठीक हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम जा रहे हैं एम्पोरियम, जान ही रहे हम पहुँच चुके हैं ऑलरेडी एम्पोरियम। तो मेरी बहनों ने भी आना है, वो हमेशा लेट आती हैं, वो हर जगह लेट आती हैं। तो मैं पहले ही पहुँच गई थी, मैंने सोचा पहले मैं शॉपिंग कर लूँ, क्यों आने से पहले। आज हमने यहाँ पर डिनर और बच्चों के लिए आए थे हम यहाँ पर। तो ये मेरा भाई है, अभी जो गुजरा है ना वो मेरा भाई है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं लिफ्ट का, और इतना अच्छा लग रहा है मुझे एम्पोरियम, इतनी नाइस फ्रेग्रेंस आ रही है यहाँ से, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। सबसे पहले तो मुझे कैंडल नज़र आ गई, तो यहाँ मैं रुक गई, बहुत ही अच्छी लगी इनकी, इतने यहाँ से इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी कि मुझे रुकना ही पड़ा। ये कितने की है? ये मैम जो स्मॉल है वो 1300 की है, ये 2700 की। ये कहाँ से है? ये कराची से है, ब्रांड नेम जो है वो महिंद्रा है, वैसे ये कराची से बहुत भी है ना। अरेबिक है ये। तो एम्पोरियम में पहुंच गए हैं, बहनों का वेट करें, उनकी कॉल आ रही थी कि आप कहाँ हो, तो हमने बता दिया कि हम कहाँ हैं। तो रास्ते में मुझे ना अच्छा यहाँ पे ना एम्पोरियम में बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। नॉर्मली मैं जब भी आती हूँ ना पाकिस्तान में आती हूँ, ज़्यादातर दिसंबर में आती हूँ या तो ईस्टर में आती हूँ, लाइक ईस्टर होते हैं मार्च अप्रैल में, या तो मैं जून जुलाई की छुट्टियों में आती हूँ समर वेकेशन में। ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं अक्टूबर में आई हूँ, फ़र्स्ट टाइम ही आई है। तो इतनी अच्छी सेल लगी हुई थी, मुझे कभी सेल नहीं मिलती है, मैं जब भी आती हूँ मुझे हर चीज़ फुल प्राइस में लेनी पड़ती है। तो ये एडन ड्रॉप में मुझे बहुत अच्छे कपड़े मिले, हालांकि मुझे कपड़े लेने नहीं थे, मैं ऑलरेडी बहुत कपड़े पड़े हुए जो कि मैंने अभी तक पहने भी नहीं है। तो मुझे इतने अच्छे लगे, सेल इतनी अच्छी लगी हुई थी, और इनकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगी हुई थी। ये स्पेशली इसके जो स्लीव्स थे ना, उसमें इतने मज़े की एम्ब्रॉयडरी हुई थी, देखें कितनी नाइस एम्ब्रॉयडरी हुई थी। तो मैंने काफ़ी ड्रेसेस ले लिए, बहुत सारे ड्रेसेस। तो ये मैंने लिए हैं सब एडन ड्रॉप से, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही लिए है, यहाँ से शॉपिंग की है, बहुत अच्छे कपड़े। इंशाल्लाह मैं आपको डिटेलिंग दिखाऊंगी जब मैं वापस चले जाऊंगी अपने घर। तो यहाँ से मैंने काफ़ी शॉपिंग की, यहाँ से मैंने काफ़ी ट्राउज़र्स लिए ब्लैक कलर में, स्किन कलर में, और बच्चों को नज़र आ गए दूर से डोनट्स, तो उन्होंने शोर मचा दिया कि डोनट्स लेने हैं। तो फिर हमने यहाँ से डोनट्स खा रहे थे, अपनी बहनों का वेट कर रहे थे। बहन ने कहा था कि हमें वो यहाँ मिलेंगे, तो इतने में बहनें भी आ गईं, उन्होंने भी डोनट्स लिए। तो हमने नॉर्मली खाने के बाद खाते हैं ना डिज़र्ट, हमने पहले डिज़र्ट खाया बाद में खाना। तो इसके बाद हम बच्चों को लेके, सब बच्चा पार्टी को लेके हम यहाँ पे आ गए। ये है बच्चों का फ्रंट सिटी, यहाँ से बच्चे हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ पे आके हमें इतना पछतावा हुआ कि हमें शॉपिंग के बाद आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ में हमें 2 से 3 घंटे लग गए, और पाकिस्तान में वैसे भी 10 बजे या 10:30 बजे तक मॉल में काफ़ी शॉप्स बंद हो जाती हैं। बस मुझे यही था कि बच्चे यहाँ से क्यों नहीं हिल रहे हैं, बच्चों ने इतना टाइम यहाँ लगा दिया। लेकिन फिर बाद में हमने डिसाइड किया कि हम 2 से 3 दिन के बाद फिर आएंगे बच्चों के बगैर, तब मैं अपनी शॉपिंग को कंटिन्यू करूँगी। और यहाँ पे बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, यहाँ पे हर तरह के राइड्स, हर तरह की गेम्स थे, और ज़ैना एंजीमल और मेहर और हर बच्चे ने कोई राइड नहीं छोड़ा, बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। बच्चों के फ्रंट सिटी के बाद थके हारे हम आ गए बंदूखा में। बंदूखा का खाना मुझे बहुत पसंद है, और यहाँ से हमने ऑर्डर किया चाइनीज़ फूड, मोस्टली चाइनीज़ फूड ही ऑर्डर किया, क्योंकि हम सब चाइनीज़ के ही शौकीन हैं। बहुत मज़े का खाना है, बंदूखा का खाना तो नंबर 1 है। कौन है इस दुनिया में जिसको बंदूखा का खाना नहीं पसंद? आई थिंक कोई भी नहीं होगा, उनका खाना सबसे अच्छा होता है। Thank you.
खाना से फारिग होके भी हम गए बच्चा पार्टी। ये एक नया खुला है एम्पोरियम मॉल में और ये इतना अच्छा है, यहाँ पे हर चीज़ मिलती है बच्चों की। आई वॉज रियली शॉक्ड, जो मैं लेके आया करती थी यूके या दुबई से, यहाँ पे बच्चों के लिए ट्रेवल कोट, प्राम, सब कुछ यहाँ से मिल रहा था ईजीली। यहाँ पे बच्चों के एयर बहुत अच्छे थे। जैना ने यहाँ से काफ़ी शॉपिंग की है, जैना ने यहाँ से काफ़ी एयर रिंग्स लिए हैं, एयर पिंस लिए हैं, हेयर बैंड लिए हैं, बहुत मज़े मज़े के। उसको ना जैना को बहुत पसंद है एयर रिंग्स जो होते हैं ना स्ट्रॉबेरी लेमन वगैरह के, पाइन एप्पल वाले, मतलब वेजिटेबल या फ्रूट्स के ना कलरफुल वाले। तो उसने यहाँ से काफ़ी चीज़ें ली हैं जैना ने यहाँ से। और तो मैंने तो बच्चों के यहाँ पर वो भी लिए हैं ब्लैक कलर के एंड वाइट कलर के प्लेन शर्ट्स, इतने अच्छे मटेरियल में ना विंटर के लिए। मैंने काफ़ी शॉपिंग की यहाँ से। बच्चों के नाइट ड्रेस मुझे बहुत अच्छे मिल गए फ्रोजन में, वो भी मैंने यहाँ से लिए। और मैंने आपके लिए सारे क्लिप बनाया है। इतना बड़ा है, यहाँ से हर चीज़ मिलती है, स्टेशनरी मिलते हैं, शूज़ मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, ट्रेवल सिस्टम जो बच्चों का होता है हर चीज़ मिलती है, कपड़े बच्चों के और खुशे भी, हर चीज़ मिलती है यहाँ से। बच्चों के टॉयस और बच्चों के ऐसी कार, रिमोट वाली कार, और जो ब्रांड्स हैं लेगो, हर चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आया करूँगी ना तो बाहर से कुछ लेके नहीं आऊँगी, यहाँ से लिया करूँगी। हर चीज़ मिलती है माशाल्लाह, अब तो पाकिस्तान से। तो खाने से भी हम फ्री हो गए हैं, बच्चा पार्टी से भी हमने शॉपिंग कर ली है। तो अभी आधी फैमिली जा चुकी है घर, और हम और बच्चे घर की तरफ ही जा रहे थे तो रास्ते में इनको ये राइड्स नज़र आ गए। ये मेहर और जिमल के बहुत फेवरेट हैं, तो अभी हमने इनको कहा चलें ये आखिरी राइड्स हैं, ये भी अब रसम पूरी कर लें, सारी राइड्स लिए हैं तो ये भी ले लें। तो फिर हमने इनको इस राइड में बैठा दिया, और वहाँ से मुस्तफ़ा और मिकाइल वो भी मेरे साथ थे, तो वो भी बैठ गए, उनके भी फेवरेट हैं ये। तो ये है मुस्तफ़ा, और वो आपको दूर से नज़र आएगा मेरा मिकाइल, ही इज़ ओनली माइन। मुझे वेव कर रहा था, सो क्यूट माशाल्लाह। और ये रहा मुस्तफ़ा, सो क्यूट माशाल्लाह। तो अभी हमें एक और शॉप नज़र आ गई, इतनी अच्छी शॉप है ये, इसके बारे में क्या नाम था उसका, बीच ट्री, यहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी और मुझे इतने अच्छे कपड़े लगे हैं, मैंने और शॉपिंग किया, वो भी आप देखिए। ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा, ये अच्छा है या ये वाला, एक ये अच्छा लगा और एक ये अच्छा लगा, लेकिन ये ज्यादा अच्छा लगा है। स्टोर में आप बताएं, अभी अभी आपने जो एक ड्रेस पी लिया वो भी दिखाएं। अच्छा ना? बहुत अच्छा। इसके साथ आपने एक ट्राउजर भी लिया वो भी दिखाएं। नीचे से दिखाएं, नीचे से, नीचे से बहुत खूबसूरत है ये देखें। देखिए इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है एक कुर्ते की। तो ये बीच ट्री से मैंने लिए दो कुर्ते अपने लिए, दो जैना को अच्छे लगे, और इसके अलावा मैंने एक लिए बहुत ख़ास इंसान के लिए, आई होप उसको अच्छा लगेगा।
और उसके बाद हम अच्छा इनके ना बीच ट्री के शूज़ और बैग बहुत अच्छे लगे मुझे, मैंने लिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे हैं तो मैंने नहीं लिए बैग एंड जूते। और उसके बाद हम गए जनरेशन, जनरेशन मुझे बहुत पसंद है, इनका कपड़ों का मटेरियल बहुत अच्छा होता है। तो जब भी मैं आती हूँ ना इनका एक इनकी ना एक ख़ास ट्रेडिशन है कि इनकी एक लाइन होती है ब्लैक एंड वाइट की, तो मैं हमेशा जाती ही ना पहले उस लाइन पर जाती हूँ कि ब्लैक एंड वाइट में इनके पास क्या आया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि ये ब्लैक एंड वाइट कपड़े होते हैं। तो मुझे ये स्किन कलर का बहुत अच्छा लगा प्लेन, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि लास्ट टाइम आई थी ना तो मैंने इनका ब्लैक एंड वाइट कुर्ता लिया हुआ है जो कि मैंने अभी तक पहना भी नहीं हुआ है, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा नहीं पहले वो पहनूंगी फिर आके न्यू लूँगी। तो उसके बाद हम आए एथनिक, एथनिक से मैंने ऑलरेडी शॉपिंग कर ली हुई थी, पाकिस्तान जाने से पहले ही मैंने ना ऑनलाइन शॉपिंग कर ली हुई थी यहाँ पे, तो वो मेरी डिलीवरी आ गई हुई है घर में लेकिन मैं अब तक खोली भी नहीं है, वो मैं खोलूँगी इंशाल्लाह अबू धाबी जाके और आप सबको भी दिखाऊँगी। इनके मैंने बहुत प्यारे प्यारे कुर्ते ऑर्डर किए हुए हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे, अब तो इन्होंने बहुत महंगा कर दिया हुआ है बदतमीज़ों ने। पहले तकरीबन 2 से 3 साल पहले ना तो इनके 3 से 4 हज़ार के बड़े अच्छे कुर्ते मिल जाते थे, अब तो ये 5 से 6 हज़ार तक है। मुझे ये कुर्ता बहुत अच्छा लगा, ये अबाउट 5000 का था तकरीबन, 4800 का, मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन मैं लिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी शॉपिंग कर चुकी थी और ये पर्पल कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। लेकिन अब की बार इनका इतना अच्छा नहीं आया हुआ, नॉर्मली इनके बहुत प्यारे प्यारे कुर्ते आते हैं तो मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर चुकी हुई थी। तो यही था आज का मेरा व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट डे और भी बहुत कुछ मतलब कैप्चर करूँगी अपने कैमरे में और आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मेरी अम्मी अब्बू को दुआ में याद रखेगा, मेरी अम्मी बहुत खुश हैं मेरे आने से, मेरे अम्मी अब्बू ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आऊँगी वो भी अक्टूबर में, आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह। अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफ़िज़।